हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन और यहाँ पर ये रहा 100 मेगापिक्सल्स का डुअल रियर कैमरा। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में कुछ कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों, बेहतरीन सेटिंग्स बताऊंगा आपको बेहतरीन शॉट्स के लिए। तो आप है ना इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। तो चलिए कैमरा ऐप को ओपन करता हूँ, एक एक फीचर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये काम करता क्या है, ये क्या काम करता है बोलकर। तो चलिए कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है नाइट मोड। ये क्या है, आपको रात में फोटोज क्लिक करना है तो आना होगा आपको इस नाइट मोड में। इस नाइट मोड में आप आकर रात में फोटोज ले सकते हैं और उसके ऊपर एक बार टैप करके इसकी लाइटिंग को ज्यादा और टैप करके लाइटिंग को कम कर सकते हैं। मतलब आप ऐसी जगह पर हैं वहां पर लाइटिंग बहुत ज्यादा है तो टैप करके लाइटिंग को थोड़ा कम कर लेना, थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, और कम है तो टैप करके लाइटिंग को ज्यादा कर लेना तो भी एडजस्ट हो जाता है। आपके लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप नाइट मोड में फोटोज लेते वक्त में पर जूम करना चाहे तो आप यहां पर 10x तक जूम कर सकते हैं। यहां पर 10x तक जूम करके आप यहां पर फोटोज ले सकते हैं नाइट मोड में। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके यहां पर जो फिल्टर्स आपको मिलते हैं, जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगाकर आप यहां पर नाइट मोड में फोटोज ले सकते हैं दोस्तों। यहां पर अलग अलग फिल्टर्स आपको यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर इस पर आप क्लिक करके टाइमर भी यूज कर सकते हैं, 3 सेकंड्स और 10 सेकंड्स का टाइमर आपको मिलता है। आपने 3S कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में 3 सेकंड्स का टाइम आएगा, 3 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। ये होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है प्रो, मतलब DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके आप यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पर ISO है, यहाँ पर इसको कम ज़्यादा कर लेना। शटर स्पीड है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस है और वाइट बैलेंस है। ये सारे सेटिंग्स आप किस सिचुएशन में फोटो ले रहे हैं, लाइटिंग कंडीशन कैसी है, ये सारे चीज़ें मैटर करते हैं। ये सारे चीज़ों को सामने रखते हुए आप ये सारे सेटिंग्स करके एक कमाल का तगड़ा फोटो ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो फोटो ले रहे हैं उसका फोटो का साइज कैसा आना चाहिए, वो फोटो का साइज आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर 16:9 है और यहाँ पर फुल है और उसके बाद यहाँ पर 1:1 और यहाँ पर 4:3 है। आपकी मर्जी जिस साइज में आपको फोटो चाहिए। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट मोड में आप आकर यहाँ पर मिनिमम 26mm से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ पर 130mm तक जूम करके यहाँ पर आप फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगा कर आप यहाँ पर इसमें फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर इसमें फिल्टर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा त्रिलेन पर हम क्लिक करेंगे तो फोटो का साइज यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं और यहाँ पर टाइमर भी यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके ऑटो जूम, मतलब ये कमाल का दोस्तों, आप इसको सेट करेंगे तो आप कोई भी चीज के ऊपर टैप करेंगे तो उसके ऊपर जूम होता है ऑटोमेटिक। मतलब 2-4 लोग खड़े हैं तो आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो 2-4 लोग में किस बंदे को आप फोकस करना चाहे उस बंदे के फेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस बंदे पर मतलब जूम होगा। और इसके अलावा यहाँ पर ए पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं ऑटो जूम को। ये भी ऑटो जूम आप ए पर सेट करना, ऑटो जूम ऑन रहेगा। ये सब्जेक्ट का है दोस्तों, यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेना। ये हो गया। तो चलिए यहाँ पर फ्लैश लाइट का फीचर को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप इस पर सेट करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको ए पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज क्लिक करते वक्त इतना ही फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इसको इस पर सेट करेंगे तो रात हो दिन हो जब भी आप फोटो लेते हैं उस वक्त ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके लाइटिंग को टैप करके ज्यादा और कम भी इसमें आप कर सकते हैं। और ये लाइटिंग ऑटोमेटिक कम हो रही है तो आप इसको ज्यादा करके इसके लाइटिंग को यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, इतना ही रहेगी ये लाइटिंग। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे वीडियो मोड में। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त जूम करना चाहे तो 10x तक जूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर रेजोल्यूशन भी आप यहाँ रख सकते हैं, 4K तक आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K 30fps में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप 1080p 60fps में आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप 4K करना चाहे वो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये तो आपको बता चुका हूँ।
टैप करके लाइटिंग को ज्यादा और टैप करके लाइटिंग को कम इसमें भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसके कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होगा, आप अपर्चर को ज्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर रिटच, ये रिटच पर क्लिक करके यहाँ से अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। कितना ब्यूटी होना चाहिए आपका फेस, ज्यादा होना चाहिए तो ज्यादा, कम होना चाहिए तो कम, अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ब्यूटी के कैपेसिटी को, आपके फेस पर पिंपल्स दाग धब्बे हैं तो क्लीन दिखेगा आपका फेस। उसके बाद फिल्टर्स आपको क्लिक करना होगा। फिल्टर्स पर यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स मिलते हैं, जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगाकर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर वाला जो है ना, ये इफेक्ट आता है बैकग्राउंड में जो ब्लर हो रहा है ना, मतलब जो बैकग्राउंड इफेक्ट है ना, वो बैकग्राउंड का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं इस मोड को आप इस इफेक्ट में आप आकर। तो चलिए ये होगा, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये तो आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर ट्रैकिंग शूट ऑन कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो आप किस पर ट्रैक करना चाहिए उसके ऊपर आप मतलब एक बार टैप करेंगे तो आप फोन को हिलाते हैं तो उसी के ऊपर वो ट्रैक करता रहेगा, उसी सब्जेक्ट को वो ट्रैक करता रहेगा दोस्तों, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऑन करेंगे तो अल्ट्रा स्टडी, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इसको ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप फोन को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने फोन को हिलाया ही नहीं, मतलब आपका वीडियो शेक नहीं होगा इस सेटिंग को ऑन करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो। इसके अलावा यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर है, एक बार टैप करेंगे इसके ऊपर तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है, एक और बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर वीडियो मोड, मतलब फोटो मोड में। ये नॉर्मल मोड है दोस्तों, फोटो मोड, यहाँ से आप एनी टाइम फोटोज ले सकते हैं, रात हो दिन हो। आप यहाँ पर जूम करना चाहे तो आप यहाँ पर 20x तक जूम कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं और रिटच पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी करके फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये होता है सुन नाइट मोड होता है, आप रात में फोटोज ले रहे हैं तभी ये दिखेगा आपको। मैंने यहाँ पर पूरा नीचे रखा है स्मार्टफोन तो इसलिए इसको अंधेरा दिख रहा है कैमरा को, इसलिए यहाँ पर ये फीचर आ चुका है। जैसे मैं फोन को उठाता हूँ ये फीचर जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं नीचे रखता हूँ तो अंधेरा दिखता है, इसको अंधेरा दिखता है तो यहाँ पर ये ऑन हो जाता है, मतलब ये आता है फीचर निकल कर। तो चलिए आप रात में फोटोज क्लिक करते वक्त में इस मोड को ऑन करके, नाइट मोड को ऑन करके एक बेहतरीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को कम ज़्यादा आप इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिलेन पर हम क्लिक करेंगे तो आप HDR को ऑन कर लेना बेहतरीन शॉट्स के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर मतलब फोटो का साइज रिसाइज कर सकते हैं, AI को ऑन कर लेना, कलर्स वगैरह थोड़ा इन्हांस होंगे, कमाल का फोटो निकल कर आता है। यहाँ पर टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, इस मोड में आपको बता चुका हूँ मैं। तो चलिए ये आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, फोटो मोड में भी, ये हो गया। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज ले सकते हैं, आप इसमें कोई जूम नहीं कर सकते। इस पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसके कैपेसिटी को आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होगा और ज़्यादा करेंगे अपर्चर को तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा, टैप करके लाइटिंग को कम कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, ब्यूटी करके आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा फिल्टर्स पर क्लिक करके फिल्टर्स लगाकर आप यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मोड में फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दो है ना, जो पहले वाले फर्स्ट और सेकंड, ये जो दो है ना, ये इफेक्ट हैं, ये बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा है वो इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। ये दोनों इफेक्ट्स आते हैं, इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं आप इस पोर्ट्रेट मोड में, इतना ही मिलता है आपको ये। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 100M बोलकर एक मोड मिलता है। यहाँ से आप जो 100 मेगापिक्सल का लेंस है उस लेंस से, उस कैमरे से फोटो ले सकते हैं इस मोड में आकर। आप इसमें कोई जूम नहीं कर सकते और टैप करके लाइटिंग को कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके अलग अलग फ्रेम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और चलिए यहाँ पर टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं और आप फ्लैशलाइट फीचर को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोड में। मोड में आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है प्रो। इस प्रो मोड में आप आकर DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके
फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पर ISO है, शटर स्पीड है, EV है, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लेना, और ऑटो फोकस मैनुअल फोकस है, और वाइट बैलेंस है। आप किस सिचुएशन में फोटो ले रहे हैं और लाइटिंग कंडीशन कैसी है, आप रनिंग में ले रहे हैं या खड़े होकर फोटो ले रहे हैं, ये सारे चीज़ें मैटर करते हैं। ये सारे चीज़ों को सामने रखते हुए ये सारे सेटिंग्स करके एक कमाल का तगड़ा फोटो आप निकाल सकते हैं दोस्तों इस प्रो मोड में आकर। तो चलिए वापस आते हैं मोड में। आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है पैनो, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। इसका पूरा नाम है पैनोरमा। ये क्या है, अब मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं, तो इस पैनो में आकर शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बता देना है, तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। तो चलिए वापस से आते हैं इसी मोड में। आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है फिल्म, मतलब DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये फीचर सारे स्मार्टफोन्स में नहीं होता, ये DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स है ना, बस ये फोटोज के लिए इतना ही होते हैं, लेकिन इसमें वीडियोस के लिए भी हैं। आप ये सारे सेटिंग्स करके आप फोटोज भी मतलब वीडियोस भी ले सकते हैं, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ये कमाल की बात है। तो चलिए वापस से आते हैं मोर में। आने के बाद आप यहाँ पर स्लोमो के वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, तो आप स्लोमो के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए 3x तक जूम करते हुए और यहाँ पर 1080p में आप यहाँ पर स्लोमो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोर में आते हैं, आपके यहाँ पर टाइम लैप्स मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आप इस पर आप इस मोड में आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स वगैरह आप यहाँ पर मिलते हैं, जैसे यहाँ पर कमाल के हैं ये आपको मैं बताऊँ। ये देख लीजिए, ये इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स को सेट करके आप यहाँ पर कैमरा इस तरह से सीधा पकड़ेंगे सामने खड़ा होकर, तो ऐसा लगेगा कि आपने इस प्लेस पर जाकर फोटो लिया है, इस प्लेस में जाकर इस प्लेस में खड़े होकर आपने फोटो लिया है, ऐसा लगेगा। ये कमाल के इफेक्ट्स आते हैं, इनको यूज़ करके या कमाल के तगड़े आप फोटोज ले सकते हैं दोस्तों इस मोड में। आप आकर वापस से मोड में आएंगे, यहाँ पर डुअल व्यू वीडियो पर आप क्लिक करके फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट स्कैनर आपके यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर टेक्स्ट को स्कैन करके आप उसको फॉन्ट्स में देख सकते हैं। वापस से आते हैं मोड में। आने के बाद आपके यहाँ पर स्टेरी मोड भी मिलता है, यहाँ पर ये मोड यूज़ करना चाहिए यूज़ कर लीजिए। और चलिए वापस से मोड में आने के बाद में आप ग्रुप पोर्ट्रेट, मतलब आप ग्रुप के साथ फ़ोटो ले रहे हैं, ब्लर होना चाहिए, तो इस ग्रुप पोर्ट्रेट में आप आकर ग्रुप के साथ पोर्ट्रेट मोड में फोटोज ले सकते हैं बैकग्राउंड को ब्लर करके। तो चलिए और कुछ खास नहीं है, और इस टिल्ट शिफ्ट भी आपके यहाँ पर मिलता है, इस मोड में आप आकर ये भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर फोटोज़ वगैरह आप जूम करना चाहे तो आप यहाँ पर 2x तक कर सकते हैं, और यहाँ पर फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए वापस से आते हैं यहाँ पर अभी फोटो मोड। फोटो मोड में आकर थ्री लेन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर कुछ और कमाल के फीचर्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले वाटरमार्क, इसमें हम आएंगे यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ऐड वाटरमार्क टू फोटोस वीडियोस फोटोस एंड वीडियोस, ये है। यहाँ पर मैं फोटोज के लिए इतना ही इसको यूज़ करना चाहता हूँ वाटरमार्क को, ये हो गया। उसके बाद डिवाइस मॉडल, मतलब किस फ़ोन में फ़ोटो हमने क्लिक किया है वो फोटो के ऊपर यहाँ पर मॉडल बताना चाहिए या नहीं, नहीं तो यहाँ पर डिवाइस मॉडल को हम ऑफ करेंगे। उसके बाद डेट एंड टाइम, किस टाइम पर किस डेट पर आपने फ़ोटो क्लिक किया है वो बताना चाहिए या नहीं, फ़ोटो के ऊपर दिखाना चाहिए, उसको ऑन कर लेना, यहाँ पर ऑन रहना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये कमाल का है। उसके बाद कस्टम टेक्स्ट पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना नाम भी आप डाल सकते हैं, जो भी नाम आप यहाँ पर डालेंगे वो नाम आपके यहाँ पर ऊपर बताएगा जो भी फ़ोटो आप इसमें लेंगे। उसके बाद फॉन्ट साइज, मतलब जो वाटरमार्क बताता है उसका साइज कैसा आना चाहिए, आप यहाँ पर छोटा और मीडियम बड़ा कर सकते हैं, और किस मतलब किस प्लेस पर बताना चाहिए, ऊपर या नीचे, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वाटरमार्क मैंने सेट कर लिया है, तो एक फ़ोटो लूँगा एग्जांपल आपको बताने के लिए, और यहाँ पर वाटरमार्क ये देख लीजिए, फ़ोटो को ओपन करता हूँ, यहाँ पर शूट बाय नबील मेरा नाम बता रहा है, और यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आप यहाँ पर बता रहा है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे हैं ग्रिड एंड गाइड्स, मतलब यहाँ पर आप ग्रिड करेंगे तो यहाँ पर हैशटैग की तरह लाइंस दिखेंगे आपको, ये लाइंस आप यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं, उतना कुछ क्वालिटी में वगैरह कुछ फ़र्क नहीं आता, उतना कुछ ये यूज़ भी नहीं है इसका। तो चलिए इसके बाद जो भी फोटो आप लेते हैं, फोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आता है वो नहीं आना चाहिए, तो शूटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो ऑन कर लीजिए। इसके बाद मिरर सेल्फी, ये ऑफ है तो इसको ज़रूर ऑफ कर लेना, ये कहे आपको मैं बताऊँगा। अब मान लो आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो मिरर होकर इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है ऐसे बताएगा, इसलिए यहाँ पर मैं ऑफ करना चाहता हूँ, अगर आप ऑन करके यूज़ करना चाहें आपकी मर्जी। नीचे आते हैं शूटिंग मेथड्स में हम आएंगे, यहाँ पर टैप टू कैप्चर को आप ऑन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके स्क्रीन पर आप कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक
हो जाता है, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर इसी सेम सेटिंग में आकर शूटिंग मेथड्स में आप आकर यहाँ पर शो पैनल को हम ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। तो चलिए एक और स्टेप बैक आते हैं और कुछ खास एक देखते हैं। यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेना, एक बेहतरीन यहाँ पर फोटो निकल कर आते हैं और नीचे आना है, इसको भी ऑन कर लेना बेहतरीन वीडियोस के लिए। और उसके बाद वॉल्यूम बटन एक्शन, मतलब यहाँ पर आपने वॉल्यूम पर इसको सेट करके रखा है तो आप कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो साउंड कम ज़्यादा होगा, और आप यहाँ पर शूटर पर सेट करके रखा है तो फोटो क्लिक होगा, और आप यहाँ पर जूम पर सेट करके रखा है तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद जूम होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्विक लॉन्च है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो लॉक करके रखें फोन को तो जो साउंड कम करने वाला बटन है ना वॉल्यूम माइनस बटन, इसके ऊपर हम दो बार क्लिक करते हैं, फास्ट दो बार आपको क्लिक करना है तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। तो ये थे दोस्तों इसी Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया कुछ कैमरा के सेटिंग्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा इसमें, कौन सी सेटिंग अच्छी लगी नीचे कमेंट्स में बता देना, और आपने कुछ गड़बड़ कर दिया फेल कर दिया सेटिंग्स तो आपको क्या करना है, एकदम नीचे आकर रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे नया फोन लेने के बाद में जैसे सेटिंग्स थे कैमरा की, सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स देखना चाहते हैं जिसको देखकर आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स तरीके से यूज कर सकते हैं, उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिलेगी, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।